उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों की करोड़ों रुपए की गन्ना भुगतान के लिए 24 घंटे का प्रदर्शन किया। हरीश रावत ने कहा कि किसी भी तरह से किसानों का गन्ना भुगतान किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि वो इकबालपुर शुगर मिल पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में करेंगे। हरीश रावत ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मिलकर इकबालपुर शुगर मिल पर धरना दिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि किसानों का करोड़ों रुपए के गन्ने का भुगतान शुगर मिल से नहीं हुआ है, जिस वजह से किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि यही स्थिति रही तो ये शुगर मिल कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि हमने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कर ये चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द किसानों का भुगतान किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने खानपुर विधायक उमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भाजपा के दलाल हैं और भाजपा की ही बी टीम है। गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।